हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ, इस वीडियो में हम जा रहे हैं शक्ति गांव, जहाँ पे हम कुछ खेत विजिट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सतना मॉनेस्ट्री। तो आपको भी ले चलते हैं इस हसीन सफर में, तो बने रहिएगा। हेलो, तो आज हम आए शक्ति में। तो ये शक्ति में थोड़े फार्म विजिट कर रहे हैं, तो आपको भी ले जाते हैं साथ में। से लोग जानता है गाबो फार्म से और जेबी ग्रोवर नाम से, जेबी ग्रोवर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जिगमेट वेजिटेबल ग्रोवर जी। मैं पूरे शाम वेले से लेके चांगतांग तक पूरा फी फार्मिंग करता हूँ और मैं दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल एक्सपोर्ट करता हूँ जी। ये जो अभी मैंने ए पी लगाया, जो ये मैं अर्लेट वेराइटी लगाया जी, ये जून के 10 तारीख को, ये सेप्टेम्बर महीना में तैयार होगा जी। जी लेट क्यों लगाया? हाँ, लेट इसलिए लगाया कि सितंबर ना, सितंबर महीना में, क्योंकि पी कहीं भी नहीं मिलता है। अगस्त में बरसात का सीजन होता है, नीचे दिल्ली, चंडीगढ़ सारे वहाँ का पी का पी कहीं भी नहीं मिलता है। इसलिए अभी लेट वेराइटी, उस टाइम मुझे मार्केट में पैसा ज्यादा मिलता है, क्योंकि मैं आप बिजनेस मैन हूँ, एंटरप्रेन्योर ऐसा जी। उससे पहले कुछ नहीं गए थे, इससे पहले वो अर्ली वाला मैं आपको दिखाएगा। अभी वो फ्लोरिंग हो गया, वो फली भी लग चुका है, इधर ही मैं दिखाऊंगा। नहीं, जून से पहले इस खेत पर, मतलब इसी खेत पर जून से पहले कुछ नहीं है। वन टाइम होता है, साल में एक ही टाइम होता है। अच्छा, वन टाइम नहीं होता है, लद्दाख में दो टाइम होता है। जो पहले वाला जो बर्ली बर्ले, उसके बाद बकवीट लगाता है श्याम वैली में। अच्छा, ये जो पहले का प्रोडक्शन और अभी के प्रोडक्शन में कौन सा ज्यादा आता है? अगर पहले वाला लगाएं, अभी वाला लगाएं, प्रोडक्शन में फर्क होता होगा ना, टेम्परेचर की वजह से? क्योंकि लेट लगाता ना, गर्मी की वजह से थोड़ा कम आता है ना। बिल्कुल, पहले वाला अभी देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा बिल्कुल। फिर मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था फार्मिंग में। पहले मैं म्यूजिक वीडियो बनाता था जी, वो सब फ्लॉप हो गया। फिर मैं 2014 से मैंने फार्मिंग करना शुरू कर दिया जी, ऐसा एंटरप्रेन्योर लगता है। मैं सफा एंटरप्रेन्योर है फार्मिंग में जी, बाहर एक्सपोर्ट भी किया, मतलब दिल्ली तक जी जी। शक्ति में रोज का रोड, रोज का 7 तक निकलता जी, उस टाइम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। अभी अगस्त 1 तारीख से शुरू होगा, अभी दिखाएगा ना, अभी तो शुरू हुआ है, शाम तक हमें हम विजिट करते रहेगा। ठीक मेरा ले यहाँ तुम मेरी और क्वेश्चन सर मिक्स मान लो सामान आती है सलाह नहीं नौ पर तू गस कैसे मान लें समा एक काल से शुरू होगा, सब खाली पी रहेगा जी, इस सब करना है। कल मैंने लेबर लगा के बिल्कुल खाली पी रहे हाले दूसरे पानी लगाए, टोटल यहाँ पे पानी होगा 7 पानी होगा जी, इरीगेशन सिस्टम में से होता है जी। यहाँ पे स्प्रिंकल विंकल का सिस्टम नहीं होता है, नाले से होता है। ये वाटर चश्मे का पानी है, नहीं तो आजकल तो वो वरील और चंगला से आ जाता है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो के आता है ना, यहाँ पूरे गांव को लिस्ट लेता है। ये कहाँ जाते हैं जो डायरेक्ट दिल्ली जाते हैं मटर? कहाँ जाते हैं? जम्मू, अमृतसर, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड। हिमाचल में कहाँ जाते हैं आप लोग? हिमाचल कुल्लू और टकोली। हाँ जी, जानते हैं। Thank you.
अच्छा मतलब। अभी हम साक्टी गांव में हैं और ये मटर का खेत है और हम यहाँ पे मटर के बारे में कुछ जाने आया था। तो ये वाला मटर अप्रैल में उगाया है और इसको उगने में 120 डेज लगते हैं और वहाँ पे चिमड़े गुम्पा दिख रहा है। तो अभी हम फील्ड विजिट कर रहे हैं, तो ये मटर है और हम मटर खा रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हम साक्टी गाँव आए थे, तो यहाँ पे हम खेत विजिट कर रहे थे। तो अभी हमने देखा मटर के खेतों को, उसमें मटर के दो वेराइटीज देखे, एक जो 90 डेज में आता है वो, दूसरा 110-120 डेज लगता है। तो ये जो ज़्यादातर सीड से इनके न्यूजीलैंड से मंगाया गया है, जैसे आपने बताया। तो अभी जाते हैं कुछ और एक दो खेत विजिट करना है और साथ में गांव का नज़ारा देख रहे हैं, तो चलते हैं आगे। थोड़ा आगे आए तो इस जगह का नाम है लाले और यहाँ देख सकते हैं हम आए हैं साक्टी में, तो देख सकते हैं आप। तो साक्टी से थोड़ा आगे आके लेले करके नाम का जगह है और यहाँ पे बारले और सरसों की खेत है, तो उसको विजिट करने आए हम लोग। हेलो दोस्तों, अभी हम है ये साक्टी के खेत में, ये सरसों मटर और ये बार्ली का खेत है। तो यहाँ की सॉइल को लद्दाख में काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो अभी हम देख भी सक रहे होंगे पीछे वीडियो में कितने प्यारे सरसों खिले हैं और यहाँ नीचे देख सकते हैं आप मटर है। तो बस यही है, आगे दिखाते हैं आपको बाकी। ऑब्जर्वेशन में लद्दाख के जो लोग होते हैं, तो एक तो उनका एक परमानेंट घर होता है, पर्मा कल्चर का मतलब है परमानेंट एग्रीकल्चर। तो वो लोग एक घर परमानेंटली यहाँ पे रखते हैं, फिर उसके बाद डिजाइन करते हैं कि सामने क्या लगाना है। फर्स्ट पर्मा कल्चर में कुछ जोन भी आता है, तो फर्स्ट जोन में आता है किचन गार्डन, तो आपने देखा ना किचन गार्डन। और उसके बाद आता है जो फील्ड का, जो यहाँ पे लगा है अल्फा अल्फा और वहाँ पे बार्ले और बार्ले सरसों, तो ये सब पर्मा कल्चर के प्रिंसिपल के अंदर ही आता है। और एक है कि एक प्रिंसिपल क्या देखा हमने, स्टोर्ड एनर्जी। तो स्टोर्ड एनर्जी आप लोग को स्क्रीन पे ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे वहाँ पे वाटर और फाउंटेन, यहाँ पे क्या है काउडंग काउडंग। हाँ,
तो ये सब भी उसके अंदर ही आता है, पर्माकल्चर के अंदर। तो यही ऑब्जर्व करना है आपको। न्यूजीलैंड वाला है, पंजाब के। क्रिस्टल सीड्स बोलते हैं कंपनी उसका। अच्छा अच्छा। सबसे टॉप मानता लेगा लद्दाख का बाढ़ लेके। अच्छा अच्छा। ऑयल की वजह से। हाँ जी। देखिए जहाँ पे वो बीच बीच में चलना पड़ता है, इधर यहाँ से छोड़ने से अपने आप जाएगा। अच्छा अच्छा। बीच बीच में पानी थोड़ा ओले परे तो करते होंगे ऐसा, मतलब पानी बीच में से। हाँ, नहीं नहीं, अंदर टांग से वो करते है ना, वो लेके नहीं लगाते। छोड़ दिया, हो गया। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शक्ति में, तो यहाँ पे हम खेत कूद देख के आए थे। काफी सुंदर गांव है, और अभी थोड़ी देर में हम वापस जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा मेजर की दो तीन टाइप के क्रॉप्स है, जो शायद कैश क्रॉप्स है, और बाकी किचन गार्डन में काफ़ी सब्जियाँ वगैरह लगाया हुआ है। जो मेजर क्रॉप्स है यहाँ पे बारले, सरसों और मटर। चलते हैं कि यहाँ शक्ति का लैंड काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पानी की भी उतनी दिक्कत नहीं है, तो इस वजह से यहाँ जो क्रॉप है काफ़ी अच्छे रेट मिल जाते हैं उनको। और बाकी और गांव भी बहुत सुंदर है, तो चलो बाकी मिलते हैं। लोगों कितना देना पड़ता है इससे दिन का, जब सीजन का देना ग्रास दे के 6-15 हज़ार। अच्छा, अभी हेलो दोस्तों, अभी हम तकना मोनेस्ट्री पे आए हुए, तो यहाँ विज़िट कर रहे हैं।
थोड़ा सा आपको इसका ग्लिम्स दिखाते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, तो बने रहिए। हम सिग्ना देख के आए तो बहुत ही शानदार था। तो ये 1616 के एडी के आसपास बना हुआ है और ये डुप्पा सेक्ट को बिलोंग करता है। तो बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। Thank you.